अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल मतीन क्राफ्टिंग वर्ल्ड। आज मैं यहाँ पर कूफी कैलीग्राफी से रिलेटेड एक वीडियो बनाने लगा हूँ। तो कूफी कैलीग्राफी के लिए मैंने सबसे पहले एक हार्ड चार्ट पेपर लिया है, या फिर इसकी जगह पर आप ड्राफ्टिंग शीट या ड्राइंग शीट को भी यूज़ कर सकते हैं। बस पेपर हमारे पास जो है वो ज़रा हार्ड होना चाहिए। तो इसके लिए मैंने इसका जो साइज़ दिया है वो 39 सेंटीमीटर बाय 39 सेंटीमीटर है। अब इसके ऊपर जो है वो मैं पूरी शीट के ऊपर 1 सेंटीमीटर का जो है वो डॉट्स लगाऊंगा। हमारे चारों तरफ लगेंगे ये डॉट्स। कूफी कैलीग्राफी करते हुए आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जो शीट है वो हमारे पास जो है वो ज़रा थिक होनी चाहिए, ताकि जो जब हम इसके ऊपर पेंट कलर करें या मार्कर से किसी भी चीज़ से इस्तेमाल करें तो हमारे पास जो है वो शीट फटे ना, बल्कि हार्ड शीट होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरे मैंने 1x1 सेंटीमीटर के डॉट्स लगा दिए हैं, चारों तरफ हम लगाएंगे। और इसके बाद हम आमने सामने के जो हमारे डॉट्स हैं उनको आपस में मिला देंगे, ताकि हमारे पास जो है वो एक पैटर्न बन जाए, एक ग्रिड बन जाए। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हमारे पास आपने देखा होगा कि स्टूडेंट्स, छोटी क्लास के स्टूडेंट होते हैं, उनके पास जो मैथ की कॉपी, मैथमेटिक्स की कॉपीज़ होती हैं, उसके अंदर छोटे छोटे डॉट बने हुए होते हैं। अब यहाँ पर जो है हमारे पास तकरीबन 1521 बॉक्सेस बन चुके हैं, जिसके अंदर मैं कूफी कैलीग्राफी करूँगा। तो कूफी कैलीग्राफी मैंने जो स्टार्ट कर ली है, अब सबसे पहले तो मैं इसके बॉर्डर के ऊपर काम कर रहा हूँ। मैं बॉर्डर को स्टार्ट करूँगा, मैं यहाँ पर पॉइंटर से बना रहा हूँ, और फिर इसके अंदर डॉलर के परमानेंट मार्कर से जो है वो मैं इसके अंदर कलरिंग कर रहा हूँ। आप चाहें तो पहले आप किसी और चीज़ के ऊपर इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं बॉक्सेस बनाकर अलग से, ताकि आपके पास जो मेन शीट हो उसके ऊपर गलती के चांसेस जो हैं वो बहुत कम हो। आप अगर आप फ्री हैंड कलरिंग कर सकते हैं तो आप फ्री हैंड कलरिंग कर लें इसके अंदर। अगर आप फ्री हैंड नहीं कर सकते तो आप स्केल को यूज़ कर लें, बिल्कुल इस तरह जैसे मैं स्केल को यूज़ कर रहा हूँ। इससे जो है वो हमारी नीटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा आती है और काम भी ज़्यादा अच्छे तरीके से हो जाता है। अब मैंने दूसरी तरफ भी बॉर्डर बनाना स्टार्ट कर दिया, ताकि जो मेरे पास अंदर वाला पोर्शन है वो मुझे डिफ़ाइन हो जाए कि किसने हिस्से के अंदर मैंने जो कैलीग्राफी को करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें। और अगर आप कैलीग्राफी से रिलेटेड मज़ीद वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, कैलीग्राफी पेंटिंग से रिलेटेड, तो आप मेरे चैनल को जाकर विज़िट भी कर सकते हैं, जहाँ पर आपको कैलीग्राफी के अलावा जो है मंडाला आर्ट और इस तरह की वीडियोस भी मिलेंगी, जो कि चीज़ों को ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं। और आप उन पैटर्न्स को, उन चीज़ों को जो है वो अपनी कैलीग्राफीज़ के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। स्क्वायर में तो नहीं हम यूज़ कर सकते, लेकिन हम जो दूसरी कैलीग्राफी पेंटिंग्स बनाते हैं उसके अंदर जिसको यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो है वो बॉर्डर मेरा वो कम्प्लीट हो गया हुआ है, और मैंने इसके अंदर जो है वो कूफी कैलीग्राफी को जो है वो स्टार्ट कर दिया, हरूफ लिखने इसके स्टार्ट कर दिए। सबसे पहले मैं लफ्ज़ अल्लाह से स्टार्ट कर रहा हूँ, आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपने पहले से, मैंने क्योंकि इसकी पहले से प्रैक्टिस की हुई है तो मुझे पता है कि मुझे कौन सा लफ्ज़ कहाँ पर लिखना है, तो मैं तो उसी हिसाब से लिख रहा हूँ। आप जहाँ से स्टार्ट करना चाहें वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। मैंने जो है वो इसके अंदर कलमा लिखा है, कलमे को मैंने अल्लाह से स्टार्ट किया है, मैंने उससे प्रीवियस स्टार्ट नहीं किया। इसके अंदर आप इससे गलती भी हो सकती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझसे एक गलती हुई है, लेकिन हम उसको बाद में हम उसे रिमूव कर सकते हैं, उसे वाइटनर कर सकते हैं, या किसी भी तरह की चीज़ से उसे साफ़ कर सकते हैं। कैलीग्राफी करते हुए आपको इस बात का ध्यान रखना होता है कि आप की कंपोजिशन क्या है, क्योंकि डिफरेंट तरह के आइडियाज़ जो हैं वो आपको इंटरनेट से मिल जाते हैं, लेकिन उसके अंदर आपका इनपुट ये होता है कि आपने उसको किस हिसाब से अरेंज करना है, कैसे उसको आप बनाते हो, उसके अंदर कलर्स कॉम्बिनेशंस चेंज करते हो, या फिर कोई भी और चीज़ उसके अंदर आप चेंज करते हो, तो वो आपकी अपनी इनपुट होती है। कैलीग्राफी करते हुए चाहे आप कैलीग्राफी पेंटिंग कर रहे हों, कैनवस पे कर रहे हों, पेपर पे कर रहे हों, या जिस तरह की भी पेंटिंग आप कैलीग्राफी से रिलेटेड कर रहे हों, या कोई भी आर्ट वीडियो या कोई भी आर्ट से रिलेटेड आप कुछ भी काम कर रहे हों, तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि आपको जो अपने अंदर के आइडियाज़ हैं उन्हें खुलकर बाहर आने देना चाहिए। आपको उन्हें रोकना नहीं चाहिए कि कहीं मुझसे गलती ना हो जाए या कोई मसला ना हो जाए। तो आपको उस चीज़ को करने देना चाहिए, ख़ुद को करने देना चाहिए, ताकि अगर आपसे कोई गलती भी हो जाए तो आप उस चीज़ से सीख सकें कि आपको उसको बेहतर कैसे करना है। तो डिफरेंट तरीके होते हैं जिससे आप उस चीज़ को सही कर सकते हो, आप जो अंदर गलतियाँ हुई हैं उन्हें छुपा सकते हो, ताकि आपकी पेंटिंग जो है वो ख़राब ना हो जाए। मैं जो है एज टू एज काम कर रहा हूँ, ताकि जो मैं एक स्क्वायर में चलता चलता जाऊँ एज टू एज काम करता हुआ, और सेंटर में मेरे पास जो है वो स्पेस बचे, इसके अंदर मैं अपने आखिरी हरूफ लिख सकूँ। दूसरी कैलीग्राफीज पेंटिंग से रिलेटेड जो मेरी वीडियोस होती हैं वो मोस्टली इसी चीज़ पर होती हैं कि आप बैकग्राउंड किस तरह बनाते हैं। मैं ज़्यादा इंटरनल जो हमारे हरूफ होते हैं उनको लिखने पे ज़्यादा फोकस नहीं करता। मेरा जो ज़्यादा फोकस होता है वीडियोस के अंदर वो होता है कि किस तरीके से आप डिफरेंट तरह के बैकग्राउंड, डिफरेंट तरह के कलर्स को यूज़ करके आप बना सकते हैं।
इसके अलावा आप कमेंट के अंदर मुझे बता सकते हैं कि अगर आप किसी और चीज़ से रिलेटेड कोई वीडियो को देखना चाहते हैं। इसके अलावा बहु आर्ट से रिलेटेड वीडियोज़ भी हैं जो मेरे चैनल पर मौजूद हैं, मैं ऊपर लिंक उनका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ऊपर आप आई बटन पर क्लिक करके भी उन वीडियोज़ को सर्च कर सकते हैं कि बहु आर्ट हम किस तरह करते हैं, उससे रिलेटेड किस तरह की चीज़ें जो हैं, किस तरह के पैटर्न जो हैं वो हम बना सकते हैं। अब इसके अंदर जो है वो मैं एक कलर को यूज़ करूँगा। सेंटर में मैंने ऑरेंज मार्कर को यूज़ किया है जिससे मैं सेंटर में जो मेरे हरूफ बच गए हैं उनको मैं उस कलर से लिखूँगा। इससे जो है वो एक डिफरेंट लुक आ जाएगी, सिर्फ ब्लैक एंड वाइट नहीं रहेगा। और इसके अलावा आप मार्कर की जगह पर पेपर को भी यूज़ कर सकते हैं, वो भी तरीका मैं अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। अब इसके बॉर्डर के ऊपर भी मैंने साथ में ऑरेंज कलर को यूज़ किया ताकि जो है वो सिर्फ एक सेंट्रलाइज्ड लोकेशन ना बन जाए बल्कि हमारी पूरी पेंटिंग के ऊपर जो है वो फोकस बना रहे। कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी। मेरी पुरानी वीडियोस यहाँ पर रहीं, और आप अगर अब तक आपने मेरे चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, और कमेंट में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी।